भाई दोस्तों, मेरे एक बात बहुत से सुन, क्योंकि आज के दौर बहुत ज्यादा महंगाई महंगाई नहीं रुकता, ऊपर जाती है, लेकिन एक चीज की वजह से हो रहा है, ये सब तुम्हारा की वजह से, तुम्हारा की वजह से हो रहा है। ये महंगाई कम कर ले, ये अच्छी बात नहीं है। गरीब लोग किधर जाएगा, वो तो नहीं जा सकता। एक टैक्स नामक बंदे वो नौकरी कर सकता है, गरीब लोग वो नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर एक बात सुन लो, लेकिन जितना अमीर लोग हो, लेकिन ये इकट्ठे वो जो ये गरीबों के वो अतीमों का गरीबों का मजदूरों की हक अदा कर लें, लेकिन उनके नौकरी नहीं मिलती, पीस की नौकरी नहीं मिलती, हाथों से मजदूर है, पैरों से मजदूर है, वो किधर जाएगा। चलो ठीक ठाक सामान पर मिल जाएगी, होटल से मीटिंग कराएगी, कोई किधर, और ये बंदे किधर जाएगा। लेकिन ये गरीब सब सब लोग है, तनखी दार है, लेकिन ये सब लोग बैठे हैं, वो सब सोच रहा है। लेकिन मेरे सारे गरीबों की मदद कर लो, हतीमों की मदद कर लो और मजदूरों की मदद कर लो। लेकिन गरीब की गरीब है, लेकिन ये नहीं है कि तनखे किसी को तनखे नहीं मिल रहा, किसी की चीज नहीं मिल रहा, सारी महंगाई पड़ गया, ये महंगाई कम कर लो। मैं दो टाइम महंगा से रोटी लेकर जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ। उधर में गए, किसी चीज की किराया मिल गए, भोजन मिल गए, चीनी मिल गए, हर चीज मिल गई। ये तुम्हारा लोग की वजह से यही हो रहा है। क्यों तुम्हारा गद्दार लोग बैठे हो, मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन ये गद्दार ये सब महंगे काम कर लो। गोश्त महंगा हो गया, हर चीज महंगा, दुकान के पास कोई बंदा नहीं जा सकता, 15,000 पे बंदा गुजारा नहीं हो सकता, किसी के साथ 70,000 तनख्वाह, किसी के साथ 50,000 तनख्वाह, लेकिन ये गरीब बंदों का 15,000-10,000 पेड़ गुजारा नहीं होता। क्यों? ये तुम्हारे की वजह से, जितना ऊपर लोग हो, जितना ऊपर लोग हो, कि ये मेरे हाथ जोड़ने की ये